डिप्थीरिया जानलेवा बीमारी है। नूह मेवात के जिले में अब तक 15 बच्चों की मौत सहित 62 बच्चे इस बीमारी के चपेट में आने की बात सामने आ चुकी है। डिप्थीरिया बीमारी से मौत के आंकड़े और बीमारी से डॉक्टर भी चिंतित हैं। चिंता इसीलिए ज्यादा है कि डिप्थीरिया की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए शुरुआती दौर में इंजेक्शन कम पड़ गए थे और मरीज लगातार बढ़ रहे थे। इंजेक्शन देश भर में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक इंजेक्शन कुछ साल पहले बनना बंद हो चुका था, जिसकी वजह से परेशानी और चिंता दोनों बढ़ने लगी थी। इससे बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम हो रहा है और अच्छा इलाज हो रहा है। हमारे बच्चे हैं कोई जी 3 दिन का था, एक एक्सपायर होगा और एक सही होगा दिल्ली से। ये बीमारी अभी इसलिए आई है कि वैसे हमारा जो सरकार का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें डिप्थीरिया कवर होता है और इस सालों साल जो बच्चे इनके टीके लगवाते रहे हैं बचपन में, DPT के टीके और DT के टीके बूस्टर की तरह से, उनको ये डिप्थीरिया की बीमारी नहीं होती। पर जो उन बच्चों को